have been silent. एवरीवन वेलकम टू श्री राम आईएएस यूट्यूब चैनल. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो. इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें ये आर्टिकल्स आपके सामने हैं जो हमें कवर करने हैं इन डिटेल. सो विल टॉक अबाउट देम इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. एंड वीकेंड है सो मेक श्योर कि आप अपना वीकली रिविजन जरूर कर लें मंडे टू सैटरडे इंक्लूडिंग दिस सेशन जो भी हमने अब किया है. सो उसको कल रिवीजन पे जरूर डालें. एंड ये स्ट्रैटेजी अपनी वीकली रिवीजन की कभी मतलब ऐसा स्किप बिल्कुल मत होने देना, नहीं तो बाद में चीजें पाइल अप होती जाएंगी और फिर दिक्कत होगी. क्योंकि लास्ट में सिर्फ यही है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो और वो सारा का सारा गेम रिवीजन का है. सो मेक श्योर दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग एज टू एन एक्सटेंट जितना पॉसिबल हो सके. ठीक है, चलो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल द टर्म दैट यू कैन सी इज एसोसिएटेड विद इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग. सो इट इज बेसिकली आईस्टेम. सो व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, व्हाई इट इज इन न्यूज, व्हाई वी विल बी कवरिंग इट, बिकॉज आईस्टेम इज लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट एट IISc बैंगलोर 16th ऑफ जनवरी को, दैट इज समवेश. सो अभी आपको दिखेगा ये सारा कंटेंट, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है ये एंड व्हाट दिस इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट. ये पूरी डिस्कशन होगी आईस्टेम पोर्टल पे क्या होता है, ये एवरीथिंग विल डिस्कस. देन यू हैव दिस अनुभव अवार्ड स्कीम 2024. तो ये किसे दिया जाता है, क्या ये स्कीम है, किसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इज देयर एनी अनुभव पोर्टल, तो वो कब एस्टेब्लिश हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी, ये सारी डिस्कशन होगी. देन यू हैव क्लासिकल लैंग्वेज को एसोसिएटेड एक टॉपिक. मैंने कल ही आपको कहा था हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल रिलेटेड टू लैंग्वेज, तो दैट वॉज वर्ल्ड हिंदी डे. सो आई मेंशन्ड कि आप अपने स्टैटिक में जाकर आपके पॉलिटी में कंप्लीट चैप्टर है, 8 शेड्यूल आपका है पूरा. सो यू शुड नो अबाउट लैंग्वेजेस और साथ ही साथ क्लासिकल लैंग्वेज. तो लैंग्वेज के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको कल करनी चाहिए थी. जो मैं आपको गाइडेंस देती हूँ आप 2-3 बाद देखो, 3 दिन बाद देखो, या कभी ना कभी मतलब शॉर्ट स्पैन में लाइक इन अ मंथ कभी ना वो चीज रिपीट हो ही जाती है. अगर आपने पेंटिंग्स कर ली होती तो अभी जो भी पेंटिंग्स आ रही हैं वो आपकी डन एंड डस्टेड होती. मैं आपको बोलती हूँ कि लैंग्वेजेस जो आपके अपना हम डैम्स के बारे में पढ़ते हैं राइट, जो भी न्यूज में आता है, देखो रिपीट होती हैं चीजें. तो अगर आपने पहले अच्छे से कवर कर लिया होगा तो आपके लिए इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ रिविजन राइट. सो डैम अगर आपने पहले रिविजन अगर साथ साथ चल रहे हो तो जिस डैम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर कृष्णराज सागर डैम. आई हैव डिस्कस्ड इट बिफोर ऑल्सो, आई डू रिमेम्बर दैट, बट पता नहीं आपको याद है या नहीं है. सो वो कल मैंने आपको लैंग्वेज के लिए होमवर्क दिया, अगर आपने वो कर लिया होता तो ये. फिर मैंने आपको बोला था स्टैटिक से आप जैसे हमने टॉय इंडस्ट्री के बारे में एक डिस्कशन करी थी, अगले दिन ही टॉय को रिलेटेड आर्टिकल आ गया था. सो हैंड इन हैंड अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो आप ही के लिए फायदा होगा. फिर हम बात करेंगे कृष्णराज सागर डैम की, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका यूसेज, इसके फीचर्स, ये सारी डिस्कशन होगी. देन विल टॉक अबाउट अच्छा यूथ डे, नेशनल यूथ डे कि कब होता है एंड वाई इट इज ऑब्जर्व्ड, ये डिस्कशन होगी. एक आर्टिकल यहां पर मेंशन नहीं है दैट इज रिगार्डिंग योर अवार्ड और वो है नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड्स 2023. सो उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली यूपीएससी ने रिसेंटली यूपीएससी ने 2023 के प्रिलिम्स में यहां से सवाल पूछा था अवार्ड से ही. तो वो कौन से अवार्ड से था मैं आपको वो क्वेश्चन भी दे दूंगी, यू ट्राई टू सॉल्व इट. इफ टाइम परमिट्स हम बात करेंगे सर्विकल कैंसर की, नहीं तो विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट ये सारे आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं आज. रही बात सर्विकल कैंसर की, सो जैसे आई विल प्रोसीड आई विल डू लेट यू नो. ओके सो हियर लेट्स बिगिन द सेशन एज इन द आर्टिकल, द फर्स्ट आर्टिकल, लेट्स प्रोसीड विद इट. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट दिस सेशन. अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करें और कॉमेंट सेक्शन में भी मुझे जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसे लग रहा है. ठीक है, चलो
चलो ठीक है, ओके लेट्स बिगिन देन. लेट मी शेयर द स्क्रीन विद द फर्स्ट आर्टिकल. हाँ जी, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप आईस्टेम इज लॉन्चिंग समावेश प्रोजेक्ट कहाँ? एट आईआईएससी बेंगलुरु. कब? 16 जनवरी को. क्यों? टू एनहैंस रिसर्च कोलैबोरेशन इन इंडिया. इंडिया में रिसर्च कोलैबोरेशन को और बढ़ावा देने के लिए और एनहैंस करने के लिए. कैसे करोगे? बाय एनहैंसिंग द एक्सेसिबिलिटी टू द फैसिलिटीज एंड लैब्स. गरीब को क्या चाहिए? दो वक्त की रोटी, कपड़ी, कपड़ा, रोटी, मकान हर किसी की जरूरत है कि नहीं? मुझे आपको पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बेसिक नीड क्या है? एक सिस्टम चाहिए, पेन चाहिए, दैट्स इट. आपको ये लेक्चर सुनने के लिए बेसिक चीजें क्या चाहिए, है ना? तो एक रिसर्चर को क्या चाहिए रहेगा? सो वही चीज है यहाँ पर भी कि एक रिसर्चर को चाहिए कि जो भी वो रिसर्च करते हैं, जो लैब्स हैं, जो फैसिलिटीज, जो इक्विपमेंट, जो टूल्स उन्हें चाहिए, उनकी एक्सेसिबिलिटी हो बस, ताकि उनकी हम इस चीज को और ज्यादा एनहैंस कर पाए, बढ़ा पाए. R&D की बात करते हैं ना हम, तो आप उसको, उस रिसर्च कोलैबोरेशन को और ज्यादा एनहैंस करें. सो उसके लिए वी हैव इट. नाउ आई टेल यू, डोंट वरी. पहले बात कर लेते हैं बेसिकली अबाउट आईस्टेम की. अब हम जब इसको ले ही रहे हैं, तो इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप एक इनिशिएटिव है किसका? ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो यहां पर अगर आप देखो, सो दे हैव मेंशन दैट इट इज डेवलप्ड विद कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन पोर्टल. किसके लिए? साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए. एम क्या है? लिंकिंग रिसर्चर्स एंड रिसोर्सेज. रिसर्चर्स और जो उनको चाहिए रिसोर्सेज, आप उनको लिंक कर दो. यही इसका पर्पस है, राइट? सो इट असिस्ट यूजर्स टू लोकेट द स्पेसिफिक फैसिलिटी दे नीड, जो अपने R&D के लिए, फॉर देयर वर्क, जो उन्हें कोई भी स्पेसिफिक फैसिलिटी चाहिए रहेगी, तो इट विल हेल्प देम टू लोकेट दैट वेरी इजिली. आइडेंटिफाई द वन दैट इज जो उनके आसपास लोकेटेड हो, जो जल्दी आसानी से उनको अवेलेबल हो जाए, राइट? सो दैट इज द पर्पस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिंपल टर्म्स में आईस्टेम क्या हुआ? आईस्टेम इज लाइक अ मैप, एक डायरेक्ट्री. किस चीज की? इट इज फॉर साइंटिफिक फैसिलिटीज इन इंडिया. इट मेक्स इट कन्वीनियंट रिसर्चर्स के लिए टू डिस्कवर, टू एक्सेस द राइट लेबोरेटरीज, राइट रिसोर्सेज, जो उनके रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क में उन्हें जरूरत रहेगी. तो समावेश प्रोजेक्ट जो है इज अ स्टेप फर्दर इन एनहैंसिंग दिस कोलैबोरेशन. सो इट इज अ स्टेप फर्दर इन एनहैंसिंग द एक्सेसिबिलिटी टू द साइंटिफिक फैसिलिटीज. गॉट इट? सो यहां पर बात करूं, अगर मूविंग अहेड, द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजिंग फैसिलिटी, इट कैन चार्ज अ फीस फॉर मेंटेनिंग इट बियॉन्ड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एज वेल. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन एक कस्टोडियन की तरह काम कर रही है, दे मे चार्ज द फी फॉर रनिंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्सेज, राइट? द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विल बी फॉर्म्ड. किस लिए? ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होगा दैट विल बी अवेलेबल टू हेल्प द यूजर्स. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग देम द इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू बेस्ट यूज दैट रिसोर्स दैट इज अवेलेबल थ्रू दिस चैट रूम, राइट? सो आईस्टेम्स वेबसाइट, दिस पोर्टल ऑल्सो दैट इंक्लूड्स डिजिटल कैटलॉग. सो अ डिजिटल कैटलॉग ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट्स मैंडेटेड बाय द ग्रुप इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस पोर्टल ऑल्सो, राइट? सो बेसिकली एम ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो अकेडमिया हैं, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट. सो आप उसको कैसे एम्पावर करोगे? सो इंस्टीट्यूशंस विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसीज आर रिक्वायर्ड टू. अच्छा, क्या ये यू लिस्ट दीज फैसिलिटीज इन द पोर्टल, राइट? सो ये सारी चीजें हैं. एंड देन आईस्टेम हैज टेकन स्टेप्स ऑल्सो ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट, राइट? आईपी इज बेसिकली, आईस्टेम हैज टेकन दो स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द आईपी इन्वॉल्व इन बिल्डिंग द आईस्टेम पोर्टल. एक पेटेंट एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड विद द इंडियन पेटेंट ऑफिस. सॉर्टेड? नो. रॉकेट साइंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. ये मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है. दिस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस. नो रॉकेट साइंस, इतनी सी बात थी, सिंपल है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अनुभव अवार्ड स्कीम. सो डेट सबमिशन डेडलाइन जो है फॉर अनुभव अवार्ड स्कीम 2024, वो है 31 मार्च 2024. ना, व्हाट डू यू मीन बाय अनुभव अवार्ड्स? व्हाट आर दीज अवार्ड्स? किसको रिकॉग्नाइज किया जाता है? ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करते हैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को.
जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, एक मैं बोलूं वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो उनका रहा है, सो ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करते हैं द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दैट इज मेड बाय द रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो भी उन्होंने अपने सर्विस के दौरान, नेशन बिल्डिंग के दौरान में उन्होंने अपना एक योगदान दिया होगा, तो उसके दौरान. अब इस क्या होता क्या है इसमें, सो द फोकस इज ऑन डॉक्यूमेंटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया. कैसे? थ्रू रिटन नैरेटिव्स, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके जो इनसाइट्स हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स के, वो कैप्चर करते हो. सो वी हैव दिस अनुभव पोर्टल. अनुभव पोर्टल ना 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था. ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. इट इज क्रिएटेड फॉर द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, द रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ताकि वो अपने वर्क एक्सपीरियंस को शेयर करें. सो पोर्टल वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसिस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर. तो पहले तो ये किसने लॉन्च किया, ये भी आपको बता होना चाहिए. मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके तीन ऑब्जेक्टिव है अनुभव के. पहला, एक डेटाबेस को बिल्ड करना दैट कंपाइल्स सिग्निफिकेंट सजेशंस एंड वर्क एक्सपीरियंस दैट इज शेयर्ड बाय द रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. आप उनको एक डेटाबेस क्रिएट करोगे ना, जो भी उन्होंने अपना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करी. देन व्हाट डू यू डू, व्हाट इज द अदर ऑब्जेक्टिव अनुभव पोर्टल का? इट चैनल द नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ दीज रिटायरिंग एम्प्लॉयज, ताकि नेशन के डेवलपमेंट में काम आए, फॉर द बेनिफिट ऑफ नेशन डेवलपमेंट. एंड देन वट डू यू डू, वट इज द ऑब्जेक्टिव, अदर ऑब्जेक्टिव? जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, टू कंसिडर इट, टू इम्प्लीमेंट द यूजफुल एंड रेप्लीकेबल सजेशन जो उन्होंने दिए हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एम्प्लॉयज अपने इंसाइट्स को शेयर करते हैं, और गवर्नमेंट एंड फॉर द गवर्नमेंट टू यूज. देखो, जो भी आपने सीखा है, आप किसी और से सीखते हो, किसी की स्टोरी से लर्न करते हो, और फिर वैसे उन बेसिस पे अगर आप, मान लो सरकार यहाँ कोई एक डिसीजन लेना चाहती है, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन देयर इंसाइट. बेस्ट सोर्स क्या है? जो डायरेक्टली वही हो, राइट? ओरिजिनल ऑथेंटिक चीजें है ना. तो जो रिटायरिंग ऑफिशियल से आ रहा है, जो रिटायर्ड ऑफिशियल से आ रहा है, उससे ज्यादा अच्छा और क्या ही होगा कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं. तो यहां पर क्या होता है, टू टेक पार्ट इन द अनुभव स्कीम, एलिजिबिलिटी की बात कर रही हूं. सो टू टेक पार्ट इन द अनुभव स्कीम, जो रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, पेंशनर्स हैं, दे नीड टू सबमिट देयर अनुभव राइटअप्स 8 महीने पहले, राइट? सो दे शुड सबमिट दीज राइटअप्स 8 मंथ्स बिफोर देयर रिटायरमेंट, और या फिर अप टू 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट. सॉर्टेड है? तो आफ्टर सबमिशन जो राइटअप्स होंगे, वो असेसमेंट के लिए, दे गो थ्रू दिस असेसमेंट प्रोसेस. सबमिशन प्रोसेस के अंदर ये भी इंक्लूडेड रहता है, रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स असेस करती हैं, एंड दे प्रोवाइड राइटअप्स. जो भी अप्रूव्ड राइटअप्स होंगे, उन्हें पब्लिश किया जाता है. सो पब्लिश्ड राइटअप्स को कंसीडर किया जाता है अनुभव अवार्ड्स के लिए एंड ज्यूरी सर्टिफिकेट्स के लिए. हर एक अनुभव अवार्डी को, जिन्हें इसके दौरान सिलेक्ट किया गया, एक मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट होता है, और एक कैश प्राइज होता है ऑफ 10,000 रुपीज. ठीक है? सो दोज रिसीविंग अ ज्यूरी सर्टिफिकेट, दे आर प्रेजेंटेड विद अ मेडल एंड सर्टिफिकेट. अभी तक अ टोटल ऑफ 54 अनुभव अवार्ड्स हैव बीन कन्फर्ड 2016 से 2023 तक. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी अनुभव पता चल गया, अनुभव स्कीम क्या करती है. इट एनकरेजेस दी, सम अप कर दूं तो, इट एनकरेजेस रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू शेयर देयर एक्सपीरियंस. कैसे? थ्रू राइटअप्स. सो सबमिशंस गो थ्रू दैट असेसमेंट, और जो भी सिलेक्टेड राइटअप्स होते हैं, दे आर पब्लिश्ड. Those chosen for अनुभव अवार्ड्स, उनको मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, कैश प्राइज. एंड वाइल ज्यूरी सर्टिफिकेट विनर्स, उनको मेडल और सर्टिफिकेट मिलता है. अभी तक कितने अवार्ड दिए जा चुके हैं अनुभव अवार्ड्स? 54. नाउ मूविंग अहेड विद क्लासिकल लैंग्वेज. वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने अर्ज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि बंगाली को इंक्लूड किया जाए एज अ क्लासिकल लैंग्वेज. आपको दो चीजें तो बेसिक हैं जो पता होनी चाहिए. एक तो कितनी लैंग्वेजेस हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस, कब कब कौन सी ऐड हुई ये, और दूसरा क्या क्राइटेरिया है टू डिटरमाइन द क्लासिकल लैंग्वेज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है. चार ऑप्शन, और बेसिकली फोर फैक्टर्स, फोर पैरामीटर्स यू कैन से. सो क्राइटेरिया इंक्लूड की जो लैंग्वेज है, दैट शुड हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टेक्स्ट्स एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री. सो बेसिकली यू सी हिज हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मतलब कुछ 1500 से 2000 साल पुरानी.
एंड इट शुड हैव कोई ऐसी एंशियंट लिटरेचर या टेक्स्ट हो दैट इज कंसिडर वैल्यूएबल हेरिटेज बाय द जनरेशन ऑफ स्पीकर्स. आप उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे रहे हो, सो देयर शुड बी अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर, कोई टेक्स्ट दैट आर हाईली वैल्यूड बाय द जनरेशन ऑफ स्पीकर्स. जो लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ द लैंग्वेज शुड बी ओरिजिनल, बोरोड नहीं होना चाहिए फ्रॉम अनदर कम्युनिटी. क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मॉडर्न फॉर्म्स ऑल्सो और एनी अदर रिलेटेड लैंग्वेज, राइट. करंटली 6 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें क्लासिकल का स्टेटस मिला हुआ है. तमिल 2004 में डिक्लेयर हुई, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 के अंदर. यहां पर एक लैंग्वेज को अगर आप क्लासिकल लैंग्वेज नोटिफाई कर रहे हो तो क्या फायदा होगा? पहले तो 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस, सो इट प्रोवाइड्स दैट बेनिफिट ऑल्सो. इंपॉर्टेंट है ये. एक तो क्या कैसे क्या क्राइटेरिया है क्लासिकल लैंग्वेज लेने का? 4 क्राइटेरिया है. एंटीक्विटी वाला, एक एंशियंट लिटरेचर, देयर शुड बी अ बॉडी ऑफ कोई एंशियंट टेक्स्ट, और फिर उसके बाद ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन हो, नॉट बोरोड, और एक उसका डिस्टिंक्टिवनेस. 4 ये हो गए. और उसके बाद कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? 6, वो भी हो गई, बता दिया कब कब कौन से साल में रिकॉग्नाइज हुई. अब क्या फायदा होता है? व्हाट इज अ बेनिफिट? सो द लैंग्वेज रिसीव्स 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स. दूसरा, अ स्पेशलाइज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन दैट क्लासिकल लैंग्वेज दैट इज एस्टैब्लिश्ड. फिर तीसरा, यूजीसी इज आस्क्ड टू इनिशिएट द क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. इट विल प्रमोट एकेडमिक एक्सपर्टीज एंड रिसर्च, राइट. अब बंगाली लैंग्वेज की बात करी जा रही है. वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि बंगाली लैंग्वेज को ऐड करो एज अ क्लासिकल लैंग्वेज. तो इसके रिगार्डिंग 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. पहला तो ये कि बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज है. ऑफिशियल लैंग्वेज है तो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा शेड्यूल है, वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में. हमने कल ही मैंने आपको होमवर्क दिया था और हमने डिस्कस किया था विच शेड्यूल विच आर्टिकल, राइट. सो इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन वेस्ट बंगाल. ये 2nd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया के अंदर एंड 7th मोस्ट स्पोकन है ग्लोबली. 2nd मोस्ट इन इंडिया एंड 7th मोस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, राइट. देन द बंगाली पीपल हैव अ कल्चरली रिच हेरिटेज दैट इज डेटिंग बैक टू देयर प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड बंगाली इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने रिसेंटली बैन किया है ऑल टाइप्स ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज विद इन 20 किलोमीटर रेडियस ऑफ दिस कृष्ण राज सागर डैम. कहां पर पड़ता है? मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कर्नाटका में. हमने इसके बारे में कवर किया हुआ है अगर आपको याद हो तो. रिविजन कर रहे हो तो याद होगा, नहीं रिवाइज करोगे तो कैसे याद होगा, तो रिविजन करनी जरूरी है. ये ग्रेविटी डैम है दैट इज लोकेटेड बिलो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स कावेरी विद इन इट्स ट्रिब्यूटरीज हेमावती एंड लक्ष्मण तीर्था इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मांड्या इन कर्नाटका. देखो ये रिवर्स आपको मैप में लोकेट करनी पड़ेंगी. तो KRS डैम इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटी डैम दैट इज सिचुएटेड बिलो द पॉइंट वेयर द कावेरी रिवर मीट्स इट्स ट्रिब्यूटरीज. यहां पर कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हेमावती, लक्ष्मण तीर्था जहां मिलती हैं. सो इट इज सिचुएटेड बिलो द पॉइंट वेयर दीज ट्रिब्यूटरीज मीट. कहां पर? मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बस इतना याद रख लो. और जुड़ी हुई ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? रिवर्स, वो ध्यान में रख लो. ये डैम जो महाराजा ऑफ मैसूर रहे हैं कृष्ण राज वाडियार 4, उनके कार्यकाल में, बेसिकली ड्यूरिंग दैट रूल, हिज रूल, द डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड और उन्हीं को ऑनर करते हुए इट वॉज नेम्ड एज. सो द कंस्ट्रक्शन 1911 में स्टार्ट हुई थी और 1931 में कंप्लीट हुई थी. किसने डिजाइन किया था इस डैम को? सर एम विश्वेश्वरैया, एक फेमस इंडियन इंजीनियर जिन्हें ऑफन रेफर किया जाता है एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न मैसूर या फिर फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. The creative beautification of the whole dam complex has been the achievement of Sir Mirza Ismail the then Diwan of princely state of Mysore. तो कुछ नाम जुड़े हुए हैं, वो आप याद रख सकते हो. ठीक है, designed by, creatively beautified by,
तो ये एसएससी में भी पूछे जा सकते हैं। नाउ एज फार एज यूसेज ऑफ दिस डैम इज कंसर्न, इरिगेशन के लिए मैसूर मांड्या जगह पे, ये एग्रीकल्चर बेनिफिट्स के लिए, सो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है फॉर द सिटीज ऑफ मैसूर मांड्या बैंगलोर। सो ये जो डैम है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इन सप्लाइंग पावर टू शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। द वॉटर रिलीज फ्रॉम दिस डैम फ्लोज इन टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड स्टोर्ड इन मेथूर डैम इन सलेम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। फीचर की बात करूं तो इट वॉज बिल्ड यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ सुर्की मोतार एंड लाइमस्टोन। इसका एक कितना लॉन्ग है कितना हाई है वो लिखा हुआ है। इट इज अबाउट 130 स्क्वायर किलोमीटर विच वॉज द लार्जेस्ट इन एशिया एट द पीरियड जब ये बना था तब। नाउ इट वॉज द फर्स्ट डैम टू इंस्टॉल ऑटोमेटेड, यहाँ पर प्रेस गेट्स होते थे। वृंदावन गार्डन जो है एन ऑर्नामेंटल गार्डन है वो अटैच है इस डैम से। ये गार्डन जो है इट इज डिजाइन बेस्ड ऑन शालीमार गार्डन ऑफ कश्मीर इन द मुगल स्टाइल। ठीक है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स अवार्ड 2023, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड दीज अवार्ड इन राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। कैटेगरीज बात करूं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की तो पहली है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये सारी बातें आपको पता, पर्पस बेसिकली मतलब इसके पीछे का कि क्या क्यों दिया जाता है, क्राइटेरिया वो पता होना चाहिए। हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, 1991-92 में इंस्टीट्यूट किया गया, इसको नेम किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इंडियन हॉकी लेजेंड है मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पे नाम पड़ा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिसने पिछले 4 सालों में दिखाई हो इन स्पोर्ट्स, ये मेडेलियन सर्टिफिकेट और कैश प्राइज मिलता है। देन यू हैव अर्जुना अवार्ड, जिसने पिछले 4 सालों में लगातार एक गुड परफॉर्मेंस दिखाई हो तो एक द विनर रिसीव अ स्टैट्यूट ऑफ अर्जुना सर्टिफिकेट और एक कैश प्राइज। फिर यू हैव द्रोणाचार्य अवार्ड, 1985 में इंस्टीट्यूट किया गया, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है कोचेस के लिए। सो इट इज अवार्डेड टू द वन जिनको जो कोच हो है जिन्होंने बहुत ही एक अच्छी जैसे अभी दिया गया है सिखाया, द्रोणाचार्य गुरु रहे ना। सो इट इज अवार्डेड टू द इंडिविजुअल्स फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर्स, जिनसे आपने सीखा जिन्होंने सिखाया आपको, राइट, सो उनको अवार्ड दिया जाता है ये। एंड दे रिसीव द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ द्रोणाचार्य, सर्टिफिकेट एंड अ कैश प्राइज। फिर उसके बाद यू हैव मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है इन स्पोर्ट्स। सो जिसने क्राइटेरिया है गुड परफॉर्मेंस दिखाई हो, कॉन्ट्रीब्यूट किया हो टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इंडिविजुअली सिंस 2002, सो एक स्टैट्यूट और एक सर्टिफिकेट और एक कैश प्राइज मिलता है। देन यू हैव मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, 1956-1957 इट वॉज इंस्टीट्यूटेड। ये किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, राइट, इट इज अवार्डेड फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ओवर द लास्ट ईयर। देन यू हैव राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, उन ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, प्राइवेट पब्लिक, राइट, एंड एनी इंडिविजुअल फॉर प्लेइंग अ रोल इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन जिन्होंने किया वो डेवलपमेंट पिछले 3 सालों में, तो साल भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये ना 2023 का सवाल है, आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि ये अपेयर मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस लिए दिया जाता है, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, कौन सा करेक्टली मैच करता है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। 2023 का ही सवाल है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत सालों पहले का हो, पिछले साल ही यूपीएससी ने पूछा है, समझ रहे हो आप कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। नेशनल यूथ डे 2024 ऑब्जर्व किया जाता है कब, कब किया जाता है, स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है 12th of January को, तो हर साल किया जाता है। उनके द्वारा एक कही हुई बात है, इफ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रांग Strong you will be। सारा खेल सोच का है, आप सोच लो, आप डिमोटिवेट मत हो, आप सोचो कि मैं क्रैक करूंगा, मैं क्रैक करूंगी और कोई ऑप्शन नहीं है तो होगा। इफ यू थिंक यू आर वीक देन यू आर वीक, इफ यू थिंक यू आर स्ट्रांग यू विल बी स्ट्रांग, इफ यू थिंक यू विल बी यूर वीक यू विल बी वीक, जैसे सोचोगे वैसा ही होगा। अच्छा सोचते तो अच्छा होगा, रेस्ट भगवान पे छोड़ देते हैं, राइट, बट यू गिव योर बेस्ट, गेटिंग माई पॉइंट, तो आप अपना बेस्ट दो, आप अच्छा सोचो, आप सोचो कि हाँ देखो कहीं पर भी कभी भी कमजोर नहीं पड़ो, एंग्जाइटी टेंशन वो मत लो,
सोचो, ये हमें कुछ याद नहीं हो रहा तो होगा भी नहीं, मुझे सब आता है तो सब, एक ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। तो अगर सोच जैसा सोचोगे वैसा होगा। सो इफ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रांग, स्ट्रांग यू विल बी। इंडियन नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करता है 12th of January को हर साल। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है। सिंस 1984 नेशन हैज मार्क द डे बाय अर्जिंग द यूथ टू लीव अप टू वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, बिलीव्स दैट विवेकानंद एम्ब्रेस्ड। है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है ना। फॉलो द आइडियल्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। तो एक एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन, 12 से 16 जनवरी। थीम इस बार की है विकसित भारत है 2047, युवा के लिए, युवा के द्वारा, आप ही के लिए है ये। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करें तो एक ग्रेट इंडियन मॉन्क रहे हैं जिन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया है इन एनलाइटनिंग दी वेस्टर्न वर्ल्ड अबाउट हिंदुइज्म। एंड एज अ डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ही एडवोकेटेड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन कॉलोनियल इंडिया। सो ही इज क्रेडिटेड विद रिवाइविंग हिंदुइज्म इन द नेशन। तो ये था आपका आज का सेशन। रही बात सर्विकल वाली, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस सेशन के लिए इतना ही। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। डू रिवाइज फर्स्ट थिंग, अपना होमवर्क जरूर करें, और ये जो मैंने आपको सवाल दिया है वो भी। मंडे को मिलेंगे विद अदर इंपॉर्टेंट डिस्कशन ओवर अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।